और अब बात अंबाला की, जहां नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल नगर परिषद की टीम ने सरकारी जगह पर बने एक मंदिर और सड़क पर बने दरगाह को शांतिपूर्ण तरह से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान मौके पर प्रशासन की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। रिपोर्ट देखिए। अम्बाला नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम ने सरकारी जगह पर बने एक मंदिर और सड़क पर बने दरगाह को शांतिपूर्ण तरीके से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान मौके पर प्रशासन की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। टीम ने पहले मंदिर फिर मजार पर बुलडोजर चलाया। इस पूरी कार्य को निगम की टीम ने शांतिपूर्ण तरीके से करवाया। दरअसल अम्बाला में शनिवार सुबह से ही नगर परिषद की टीम एक्टिव मोड में है। टीम ने दलबल के साथ मिलकर ऑपरेशन क्लीन अवैध अतिक्रमण चलाते हुए सबसे पहले मंदिर पर बुलडोजर चलाया, उसके बाद सड़क पर ही बने एक दरगाह पर भी बुलडोजर चलाया। इस ऑपरेशन में जहां नगर परिषद के अधिकारी सहित टीम मौजूद रही, वहीं कोई अप्रिय घटना न घटे इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। इस कारण सभी अतिक्रमण को शांतिपूर्ण तरीके से हटाया गया। इस बारे में नगर परिषद कार्यकारी अभियंता रविंद्र कुमार ने कहा, अवैध अतिक्रमण अम्बाला में काफी बढ़ गया था, सुबह से ही कार्रवाई की जा रही है। पहले एक मंदिर जो कि सरकारी जगह पर बना हुआ था, कोर्ट के आदेश के अनुसार उसे इसी माह हटाने का आदेश दिया था। ये मंदिर सड़क और नाले के मध्य आ रहा था। इसको हटाने को लेकर मंदिर में रह रहे पुजारी को कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन इन्होंने ये नहीं हटाया। फिर कोर्ट के आदेश के बाद इस मंदिर को हटाया गया। मंदिर में जितनी भी मूर्तियां थीं, उन्हें हटाकर लोगों की तरफ से कुछ दूरी बनाए गए मंदिर में रखवा दिया गया। देखिए, ये मंदिर सरकारी जगह पर निर्माण किया गया था। इसका इस बारे में हमने टू कोर्ट ऑफ लॉ इसको हटाने बारे पीपी एक्ट में केस दायर किया था। वो पीपी एक्ट में बकायदा माननीय न्यायालय के द्वारा इसके एविक्शन के आदेश जारी किए गए हैं। उसी कड़ी में आज इसको मतलब हटाया जा रहा है। जितनी भी मूर्तियां इसके अंदर थी, उन सभी मूर्तियों को हमारा आप यही आपने देखा होगा, हमारा ज्यादा समय उन मूर्तियों को ही निकालने में लगा। क्योंकि हमारा पूरा प्रयास ये रहा कि जो भी मूर्तियां हैं अंदर, उनको सुरक्षित निकाला जा सके। जितनी भी मूर्तियां सुरक्षित निकाल पाए वो सभी हमने निकाल ली। ये इस बारे में कार्रवाई लंबे समय से की जा रही है और लंबे समय से ही उनको कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं और कोर्ट केस भी यानी कि काफी टाइम से विचाराधीन था, जिसमें अभी इसी माह मतलब माननीय न्यायालय के द्वारा इसको एविक्शन के आदेश जारी किए गए। मंदिर दरगाह को हटाते समय लोगों में किसी तरह कोई धार्मिक भावनाएं न भड़के और कोई भी अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा और सभी कार्य शांतिपूर्वक हो गए। पुलिस टीम का नेतृत्व कर रहे थाना सदर के एसएचओ सतीश कुमार ने बताया कि प्रशासन ने मंदिर और दरगाह को हटाने के लिए पुलिस बल की भी मांग की थी। इससे पहले पुलिस त्योहारों में लगी हुई थी, पुलिस बल यहां मौजूद है और ये दरगाह और मंदिर को हटाया गया है। सभी काम शांतिपूर्वक हुए हैं। डिप्टी मजिस्ट्रेट साहब हैं मनदीप सिंह, उनके नेतृत्व में हमने पुलिस फोर्स प्रोवाइड कराई थी, उसको डिमोलिश करने के लिए उसको शांतिपूर्ण किया गया। सड़क के लिए कोई होगी तो कोर्ट से डिसाइड हो चुका था और कोर्ट के जैसा आदेश थे वैसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब नियुक्त हो चुके थे और हमने फोर्स प्रोवाइड कराई और फोर्स के साथ शांतिपूर्ण है। बहरहाल इस बुलडोजर कार्रवाई के दौरान लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। मंदिर और दरगाह दोनों पर बुलडोजर कार्रवाई को शांतिपूर्ण तरीके से कराया गया। अम्बाला से टोटल टीवी के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।